हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पर चैनल। तो जी आज हम आ गए हैं रीडिंग करने के लिए, लेकिन हमने सोचा था हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाते हैं। सेपरेट वीडियो क्योंकि कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता ना कि हम बकवास करते हैं, लेकिन अगर हम सेपरेट वीडियो बनाते हैं तो ऑब्वियसली देखिए, सिर्फ कर्मा बिलीवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या चैनल पे आके अपनी उपस्थिति दर्ज करा के जाना कमेंट करके और अपने आप को बस दिखाते रहना, शो करना कि वी आर कर्मा बिलीवर्स, है ना, हम बहुत प्योर सोल हैं। अरे भाई, अपनी तारीफ खुद ही कर लोगे क्या? ये डिसाइड करने वाला ऊपर वाला है कि हम लोग प्योर सोल हैं कि नहीं है, ठीक है। एक दूसरे को दुआएं दे सकते हैं, ठीक है, और जो मिलती है वो ले सकते हैं, ठीक है। मना तो नहीं करेंगे ना, ऑब्वियसली कोई आपको दुआ देगा तो आप उसको मना थोड़ी करोगे, नहीं चाहिए ले जाओ अपना दुआ अपने साथ, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमने बोला ना कि एक इक्वल गिव एंड टेक चैनल पे है, आप लोग इस चैनल के लंबे टाइम से जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं और जो इस चैनल को देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, देखिए आपके एक सब्सक्रिप्शन से ना हम लखपति नहीं बन जाएंगे, करोड़पति नहीं बन जाएंगे। तो बेहतर है कि इस चैनल पे रहें तो बहुत तमीज़ से रहें, और वरना ये आपका स्पेस नहीं है, ठीक है। अब जो ज़रूरी मुद्दा है वो रीडिंग से पहले हम इसी वीडियो पे बोलेंगे। भाई, हमारा चैनल, हमारा थोबड़ा, हमारी ज़बान, हमारी मर्ज़ी, सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है स्किप कर दीजिएगा वीडियो को। कोई ज़बरदस्ती तो हम वैसे भी नहीं करते, कभी किया है हमने आप पे ज़बरदस्ती? नहीं की ना। बस थोड़ी देर के लिए ही हम एक निवेदन करना चाहते हैं, निवेदन, ठीक है। निवेदन यार, कल हम आए थे पेड रीडिंग के लिए, कितने लोगों ने लिया है पेड रीडिंग, चार लोगों ने ली थी शायद, चार या पाँच लोगों ने, मतलब लिटरली पेड रीडिंग के लिए हम आए, कोई नहीं आया रीडिंग में। और कितने लोग दिखाई दे रहे थे? 30 ऐसे पीपल थे। फ्री रीडिंग के लिए सब आ गए, ठीक है, फ्री। जैसे ही पता चला अच्छा 10 लोगों की फ्री रीडिंग मिनी दे रही है तो भाई कमेंट करते हैं, फ्री रीडिंग ले लेते हैं, मिल जाए क्या पता मिल जाए, ठीक है। तब हमको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, समझने वाले समझ जाएंगे कि इक्वल गिव एंड टेक किसे बोलते हैं, एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। बार बार मौका परस्तों की तरह फ्री रीडिंग्स लेते रहना काम नहीं करता है, वो रीडिंग काम नहीं करती है, वो लागू होती नहीं है, फ्री रीडिंग्स लागू होती नहीं है। और जो मल्टीपल टाइम्स लेते हैं ना, फिर वो बोलते हैं कि आपने बोला था तो ऐसा तो हुआ नहीं। अरे भाई, फ्री रीडिंग बार बार फ्री रीडिंग लेते रहोगे, कुछ दोगे नहीं, लिए चले जा रहे हो ना, रिसीविंग मोड पे हो ना। कहने को तो आप बोलते हो ना, वी आर गिवर, भाई हम तो भाई देने के लिए आए हैं, वी आर बॉर्न टू गिव, ये गिवर हो, रीडिंग दे चले जा रहे हो फ्री फंड में। समझने वाले समझ जाएंगे जिसको हम बोल रहे हैं, किस किस को बोल रहे हैं। भाई सबको नहीं बोल रहे हैं, उनमें से हमारे कुछ जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं जिनका नंबर आया, जिनका नंबर लगा, हमने रीडिंग ईमानदारी से दी, ठीक है। हमारा खुद का वो था कि हम 10 लोगों को फ्री रीडिंग देंगे, जिनका हमें दिख गया क्वेश्चन दी हमने। लेकिन हम वही कह रहे हैं कि सिर्फ जिन्होंने ली रीडिंग उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग वहाँ पे थे यार, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हो, 29 रुपीज़ नहीं पे करे जाते यार आप लोगों से, हैं, हद है। सुपर चैट क्या करेंगे हम, सुपर चैट? और आप लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं मेंबरशिप चलाओ, क्या करेंगे मेंबरशिप चला के यार, कौन लेगा मेंबरशिप, किधर की मेंबरशिप, कहाँ की मेंबरशिप भाई? यहाँ तो लोग खून पीने को तैयार हैं। कोई इंसान ईमानदारी से दो वक्त की रोजी रोटी कमा रहा है, उसको कहाँ कोई देता है, कुछ देता है क्या? नहीं देता है। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम फ्री रीडिंग करते हैं ना, ईमानदारी से अपनी रीडिंग करते हैं कि नहीं, गाइडेंस है भाई, हमारे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे होंगे, कुछ जेन्युइन लोग हैं जो वेट कर रहे होंगे मिनी का कि कब आएगी वीडियो, हमको देखना है कि आज की एनर्जीज कैसी है, क्या करेंगे हम ऐसा वो लेके, क्या करेंगे हम ऐसा लेके। अभी इसी वीडियो पे रीडिंग तो हम इसी वीडियो पे करेंगे, देखना है देखिए, नहीं देखना है मर्जी है, आपकी मर्जी है, ठीक है, मर्जी है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का यहाँ पे साइलेंट अभी बोलेंगे जब हम आपको, तब 3 मिनट के लिए एक साइलेंट प्रेयर हम करना चाहते हैं, क्योंकि देश और दुनिया की हालत बहुत ख़राब है,
समझ रहे हैं, पापों का घड़ा भर रहा है, ठीक है, ब्लास्ट नहीं हो रहा है वो अलग बात है, पापों का घड़ा भर रहा है ना, भर रहा है, भर रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है, फटना तो है ना उसको, फटना तो है ना, तो या तो वो फटे, ठीक है, या तो वो अंदर ही अंदर चीज़ों को संभाले, कोई तो आउटकम हो ना। ये जो इतना पैनिक और एक क्योटिक सिचुएशन हो रही है, इसका कोई तो हल निकलना चाहिए ना। हम लोग तो प्राइम मिनिस्टर देखो है नहीं, हम लोगों के बस का कुछ है नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस हम यहाँ पे बैठ के कार्ड झपड़ 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 करेंगे, आप आएंगे टिम लग लग ते टिम लग करते करते और रीडिंग देखेंगे और जाके कमेंट करके सो जाएंगे। और कोई काम है हमारा और कुछ कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, तो कम से कम 3 मिनट के लिए प्रार्थना ही कर लो यार, हैं, देश की सुख चैन के लिए, ठीक है, माहौल कुछ ठीक हो, ना सिर्फ हमारे देश के लिए बाकी पूरी दुनिया के लिए, इतना क्योटिक सिचुएशन है। ये तो कर ही सकते हैं या ये भी नहीं कर सकते? अगर ये नहीं कर सकते हैं तो डूब मरना चाहिए, ठीक है, डूब मरना चाहिए, लानत भेजते हम, लानत, ठीक है, इंसान होने पे लानत भेजते हम, ठीक है। तो जो लोग इस समय हैं देख रहे हैं हमको, 3 मिनट के लिए, खाली 3 मिनट, 3 मिनट यार, 3 मिनट किसी की ज़िंदगी के लिए, किसी की दुआएं मांग लो यार, किसी के लिए दुआएं मांग लो, प्रेयर कर लो, इतना ही कर सकते हैं हम, तो इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा हो करिए, नहीं करिए दफ़ा हो जाइए। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस हाथ जोड़ के प्रेयर करिएगा, दिल से प्रेयर करिएगा। और जब हम बोलना शुरू करेंगे तो समझ लीजिएगा 3 मिनट हो गए होंगे, ठीक है, 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय भी अगर लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना प्रेयर कर रहे हैं, आप अपना प्रेयर कीजिए, ठीक है। समय शुरू होता है अब। जी, जितने भी मिनट
हुए हैं कोई बात नहीं, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, बाउंडेशन नहीं था, बस इतना ही हमने अपने हिसाब से प्रेयर कर ली। आई होप आपकी भी हो गई हो। देखिए कुछ भी चल रहा है दुनिया में, कुछ भी हो रहा है, टिम लग लगते टिम लग लगे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जीत इंसानियत की होनी चाहिए, जीत इंसानियत की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं, ठीक है, इंसानियत, जीत इंसानियत की होनी चाहिए। ज़्यादा हमको कुछ नहीं बोलना है, बस भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। एक हमारी तरफ से इतनी एक पहल थी कि हम लोग बैठ के प्लीज़ प्रेयर कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते। अब हम लोग तो जाके कहीं कैंडल मार्च नहीं कर सकते ना, कहीं पे जाके ये सब टाइम वेस्ट, और ये सब क्या फ़ायदा है। घर बैठ के भी किसी के लिए दुआएं मांग लेंगे तो बहुत, दुआओं में बहुत शक्ति होती है। आई सॉ 11:11, दुआओं में बहुत शक्ति होती है, वाकई में शक्ति होती है। और पता है कि दिल से मांगी गई दुआएं ना वो सुनी जाती है, भगवान जी सुनते हैं। तो अभी सोचिए हमने एक साथ बैठ के, आप लोगों ने एक साथ बैठ के एकजुट होकर, सब हर कोई था ना इस, जो भी देख रहा था सब लोग थे, तो बैठ के आप लोगों ने प्रेयर की ना, उसमें बहुत पता है वो प्रेयर पहुँचेगी, दुआएं लगती हैं। अब हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, भगवान सबको खुश रखे, सबको खुश रखे, सब कुछ ठीक हो जाए, जहाँ पर जो भी जैसे भी हालात हैं सब ठीक हो जाए। तो अब हम कार्ड्स लेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या चल रहा है। पहला कार्ड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो समझ आया कुछ आप लोगों को। वैसे आज हम टॉपिक भी यही चूज़ करने वाले थे, बनाने ही वाले थे कि अभी व्हाट इज़ द गॉसिप बिहाइंड योर बैक, और ये आया है पहला कार्ड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स यानी पेज ऑफ सोर्ड्स। तो गॉसिप तो डेफिनेटली है, आपके पीठ पीछे चल रही होंगी, बट समहाउ अगर कुछ ऐसा आता है तो हम आपको बताएंगे, बट हम रैंडम रीडिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। बट अदरवाइज अगर हमें कार्ड्स में कुछ दिखाई दिया तो टॉपिक ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा रैंडम रीडिंग से, कि आपके ऊपर कोई गॉसिप है कि नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, गुड। पेज ऑफ सोर्ड्स के बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ समझ आ रहा है आपको कैसी एनर्जी इसमें हो। टेन ऑफ सोर्ड्स, गुड। कंप्लीशन की एनर्जी इसमें हैं आप लोग, गुड। फाइनली देखिए जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं है, कार्ड्स में तो आ रहा है, बट लेट्स सी व्हाट एल्स। पहली बात, हाँ चर्चाएं बहुत हो रही हैं आपकी, नज़र भी बहुत रखी जा रही है आपको। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, कोई ये प्राणी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, गुड गुड एनर्जीज, इक्वल गिव एंड टेक। हमने बोला था ना दुआएं देने का, दुआएं लेने का, आपस में इक्वल गिव एंड टेक चलते रहना चाहिए। अभी देखिए हम कल आए पेड रीडिंग के लिए, कहीं चला इक्वल गिव एंड टेक, फ्री रीडिंग देके निकल लिए, 10 फ्री रीडिंग दिया और 4 पेड रीडिंग, कहाँ रहा इक्वल गिव एंड टेक बताइए, रहा इक्वल गिव एंड टेक, कोई रेशियो ही नहीं है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, गुड। बहुत सही एनर्जीज में हैं आप लोग, गुड। और इसी दौरान पे जब आप अपनी एनर्जीज में वही सही हैं, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो वहीं पर किसी के आने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, क्या चाहते हैं ये प्राणी, क्या एनर्जीज हैं इनकी। बट हाँ कोई प्रेम और सौहार्द से भरा हुआ आपके साथ एक अच्छा समय व्यतीत करना चाहते हैं, उसी के साथ यहाँ पे आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स। जब हमने ये बात बोला उसके बाद ये सेवन ऑफ सोर्ड्स आने का क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका आने का, कंफर्म करेंगे इसको क्यों आया है यहाँ पे।
आपकी तरफ कोई आ तो रहा है, ठीक है, एक सिनेरियो ये है कि आपकी तरफ कोई आ रहा है, कोई मतलब जिसको आप जानते हैं, समबडी वांट्स टू अप्रोच यू, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, एक साथ में बैठ के बात करना चाहते हैं, कोई टीम वर्क है, बेसिकली हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ मिलकर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन उसी दौरान पे एक सेवन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है, तो ये हमें लग रहा है कि आपके पीठ पीछे कुछ बातें हो रही हैं, उसी के साथ सेवन ऑफ सोर्ट्स के साथ सेवन ऑफ बॉन्ड्स आया है। आपके पीठ पीछे काफ़ी बातें चल रही हैं इस दौरान पे, और बातें क्या चल रही हैं वो भी हमको दिखाई दे रहा है। आपके पीठ पीछे ये बातें चल रही हैं कि आप अवेलेबल हैं, यू आर सिंगल बट यू आर अवेलेबल, तो आप अवेलेबल हैं। ये कैसे, किस तरीके की एनर्जीज हैं भाई, काय के लिए अवेलेबल, हाँ काय के लिए, नाइन ऑफ कॉइंस। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है इस दौरान पे कि वो बोलते हैं ना, बहती गंगा पे हाथ धोने आए हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। बेसिकली अगर तो आप कुछ अर्न कर रहे हैं इस दौरान पे, अच्छा खासा आपके पास किसी को लग रहा है कि आप बहुत नोट छाप रहे हैं इस दौरान पे, तो कोई उसी में अपने हाथ धो लेना चाहता है कि भाई थोड़ा जाके हमको भी इनके धन का उपयोग करने का मौका मिले, समथिंग लाइक दैट। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तभी आया था, उसी के थ्री ऑफ पेंटिकल्स के तुरंत बाद। तो जब आप ग्रो कर रहे हैं तो भाई होता ना, गांव बसता नहीं है, लुटेरे पहले आ जाते हैं, तो वही वाली फीलिंग है। आपको एक ही एडवाइस हम देंगे, अभी अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करिए। बिल्कुल सही बोला हमने, डेविल का कार्ड है यहाँ पे। अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करिए, कोई आ तो रहा है लेकिन इंटेंशंस, दो दो लोग आ रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ बॉन्ड्स पहले आ चुका है, नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स के नीचे, तो ऑब्वियसली जो बहुत, एक तो थोड़ा सा धीरे आ रहा है, नाइट ऑफ बॉन्ड्स है, पैशनेट है, एक नाइट ऑफ सोर्ड्स है वो बहुत, जो वो बहुत जल्दी आ रहा है, वो सेवन ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है। तो जाहिर सी बात है स्नीकी बिहेवियर इनका रहा होगा, आप जानते हैं इस प्राणी को, ठीक है। दो लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ लोग बोलेंगे हमारी लाइफ में एक नहीं है, दो कहाँ से आ जाते हैं, होगा कोई नहीं पता, सीक्रेट एडमायरर होंगे कोई आपके, कोई क्रश होंगे, कभी आपके मन में किसी को लेकर फीलिंग्स रही होंगी, कभी किन्हीं के मन में आपको लेके कोई फीलिंग्स रही होंगी। डेविल आया ही है, अभी 5-7 कार्ड्स में एक साथ चिपक के आया था, हमने आपको दिखाया था, लेकिन अभी शफल करा आपके सामने, डेविल आया है कैप्रिकॉन एनर्जीज, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है। ओके, तो इस दौरान पे आपके साथ जो वर्क करना चाहते हैं उनके साथ भी वर्क करना आपको ठीक नहीं रहेगा, इनकी सिर्फ और सिर्फ डेविलिश एनर्जीज हैं। ये मौका परस्त इंसान है जो आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं बेसिकली, तो इनके साथ आप काम ना ही करें, डेविल इंटेंशंस है। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, सेवन ऑफ सोर्ड्स इंटेंशंस है, यानी छील के निकल जाएंगे, स्नीकी बिहेवियर है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, वही हाथ में आपके वही लोटा पकड़ा के चले जाएंगे, ठीक है, फिर आप दर दर के वही ये करते रहिएगा, क्योंकि यही होता है, यही होता है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि दे दो कुछ दे दो भगवान जी के लिए, भगवान की खातिर कुछ दे दो, क्यों भगवान की खातिर क्यों दे भाई, भगवान की खातिर क्यों दे हम, हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, अरे यार ये कौन प्राणी है जिसको आपके साथ कंपटीशन लगता है, आपको एक कॉम्पिटिटर की तरह मानते हैं, आपको नीचा दिखाना है बेसिकली, हमने बोला ही इंटेंशन अच्छे नहीं है किसी के, कोई पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में लौट रहा है, दो प्राणी हो सकते हैं, एक तो फायर एनर्जी हो सकती है, एक एयर साइन हो सकते हैं, बट डजेंट हैव टू बी, कि ज़रूरी नहीं है कि यही हो एनर्जीज, लेकिन हाँ जितनी तेज़ी से आएंगे उतनी तेज़ी से निकल जाएंगे और छील कर निकल जाएंगे। कुछ लॉन्ग टर्म का हमको नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कमिटमेंट वगैरह कुछ नहीं है भाई, कुछ हासिल करने के लिए आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, किसी को लगता है कि आप अवेलेबल हैं इस दौरान पे। मौका परस्त कोई पर्सन हो सकते हैं, कंपटीशन लगता है इनको, आपके साथ इनको ऐसा लगता है कि एक
कंपटीटर की तरह है, होता है ना कि यार ये हमसे आगे नहीं निकल सकता, हरगिज़ नहीं, इसकी लाइफ में हमारे से अच्छा कोई नहीं हो सकता, इसकी लाइफ में हमसे अच्छी कोई नहीं हो सकती या हमसे आगे नहीं निकल सकती, समथिंग लाइक दैट। आप समझ रहे हैं, कॉम्पिटिशन है, किसी को मन में ऐसा लगता है कि वो आपको नीचा दिखाएं, आप नीचे रहें उनसे, एक लेवल नीचे रहें, डाउन रहें, इन्फीरियर। तो बड़ी ही घटिया एनर्जीज है जिसकी भी, और इस पर्सन, ये पर्सन बस आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ रिझने रिझाने की चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, काम निकाल के बैक स्टेप करके चले जाएंगे। ये रहा 10 of Swords, और अभी अभी जो कार्ड आया है वो 2 of Wands है। दो लोगों में आपको डेफिनेटली, दो लोगों में आपको चॉइस रहेगी। हम बहुत दिनों से ये एनर्जीज ग्रैब कर रहे हैं, आज भी आया है फिर से घूम फिर के वही, ठीक है। दो लोगों की एनर्जीज आई हैं, दो लोगों में चॉइस है, और देखा जाए तो दोनों ही लोगों में अभी तो खैर नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे कोई कार्ड आया नहीं है। दोनों में से क्या दोनों की एनर्जीज ख़राब है? नहीं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज अच्छी हैं, 4 of Wands आया है। तो दो लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, एक को स्टेबिलिटी चाहिए और एक को ये चाहिए, आप समझ रहे हैं ना, समझ जाएंगे आप, मौका परस्त हैं, छील के निकल जाएंगे। एक की एनर्जीज ऐसी हैं स्नेकी, कमिटमेंट वगैरह कुछ नहीं देना है, टाइम पास वाली एनर्जीज में रहना है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स सो कॉल्ड, जो भी आप समझें, 4 of Wands। और एक नाइट आपकी लाइफ में आ रहा है जिसको ये चाहिए आपके साथ, 4 of Wands, स्टेबिलिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, तो आप किसको चुनेंगे? ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों को ही जानते हैं, ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों में से किसी एक को जानते हैं, लेकिन दोनों में से एक की एनर्जीज ख़राब है। हमने बोला ही था भाई, दो लोगों में चॉइस आएगा, आप शायद ज़िंदगी में दोनों को ही चाहते हैं, पर दोनों को कैसे चाह सकते हैं भाई, कैसे? ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट गुड। बट टू पीपल है लाइफ में अगर, तो चॉइस तो आपको लेनी पड़ेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है एक, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस, डजंट हैव टू, की जरूरत नहीं है इनके चार्ट्स में कहीं हो, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये जो भी पर्सन है फायर साइन के हो सकते हैं, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 4 of Cups, आपकी एनर्जीज इज क्वाइट गुड, क्योंकि आप किसी को भी एक्सेप्ट करने की तैयारी नहीं है, आपकी एनर्जीज ठीक है भाई, आपको कोई नहीं चाहिए अभी, हाँ ठीक है, यही ठीक है आपके लिए अभी, अभी अगर हम बोले ना तो यही ठीक है। दो चॉइसेस हैं, क्या चुनना है, ठीक है, बातचीत करिए, क्या दिक्कत है, कोई अगर आता है, दो लोग तो आ ही रहे हैं ऑब्वियसली, टू पीपल आर कमिंग यू अभी, लेकिन बातचीत करिए, देखिए अगर तो ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है। देखिए गाइडेंस के तौर पे टैरो को लिया कीजिए, एकदम यहाँ पे हमने हमेशा से बोला है, यहाँ पे एकदम छाती पे चिपका नहीं लेना है, थोप नहीं लेना है, उसको एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से और गाइडेंस के तौर पे ले लीजिए कि भाई मिनी की रीडिंग आ गई है, आज की रीडिंग में क्या है, अच्छा अच्छा दोनों की एनर्जीज आई है, अच्छा अच्छा दो लोग आ सकते हैं, ओके ओके, हाँ लाइफ में दो लोग तो हैं, एक वो हो सकता है, वो हो सकता है, या वो हो सकती है, तो अच्छा वो ऐसा है, वो ऐसी है, तो इंट्यूशन आपको बता देगी कि दोनों में से आपके लिए कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन कमिटमेंट, किसको कमिटमेंट का फोबिया है, कोई कमिटमेंट नॉन कमिटल है, किसी को नॉन कमिटल इश्यूज़ है, कौन नार्सिसिस्टिक है, कौन टॉक्सिक है। अरे भाई आपको पता चल जाएगा ना, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, और अगर नहीं पता चलता है तो टेक अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम समबडी, ठीक है। बाकी हम हमेशा से बोलते हैं रीडिंग को रीडिंग की तरह लिया कीजिए, ज़्यादा अपने ऊपर लोड नहीं लेना है, एकदम बोझ की तरह, यार मिनी ने बोला है दो लोग आ रहे हैं, कब आएंगे, कैसे होगा, क्या बात करेंगे, क्या चलेगा, क्या, अरे भाई नहीं, पॉसिबिलिटी बताया है हमने, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करने का, ठीक है। कार्ड समेटने के बाद 5 of Swords, भाई किसके साथ इतनी कंपटीशन है आपको, कहाँ पे किसको साबित करना चाहते हैं आप? अगर आप नहीं हैं ये पर्सन, तो ये कोई दूसरा पर्सन है जिसको आपके साथ बड़ी कंपटीशन है, आपको हराना है, आपको
डिफीटेड देखना चाहते हैं, ये पर्सन आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं लाइफ के हर सिनेरियो में, हर एस्पेक्ट में। कौन है ये पर्सन? एक मिनट रुक जाइए। ये वो पर्सन है जो अपने आप को आपका सोलमेट समझते हैं, समझते हैं, ये समझते हैं ना। अब है कि नहीं है वो तो अलग बात है, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, ये वो पर्सन है जिसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और ये वो पर्सन है जिसकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी, इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा। ठीक है, तो हमने कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स पता करने की कोशिश की है कि ये कौन है जिसको आपसे लगता है कंपटीशन है। इसकी ज़िंदगी में ऑप्शंस बहते रहते हैं, ठीक है, आपके अलावा भी इधर उधर इधर उधर। ठीक है, और आपको भी एक ऑप्शंस की तरह ही ट्रीट किया गया है, इन्होंने रखा है आपको। कोई बहुत ऊँचे प्रायोरिटी कभी नहीं दी है इस पर्सन ने। ये वही पर्सन है जो आपके साथ कॉम्पिटिशन चाहते हैं इस समय, और इनकी लाइफ में बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ रही हैं, आपको भी थर्ड पार्टी में डाला था, और साथ ही इनको जो है किसी ने अभी लिटरली किसी ने छीला है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं। इस पर्सन को आपको लगता है, ये पर्सन आपको फेक समझते हैं, मिस्टीरियस समझते हैं। इस पर्सन को आपको आपको देख के ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसे हैं नहीं जैसा आप दिखते हैं। दूसरी बात, पाइसिस ये हो सकते हैं और सैजिटेरियस ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन अभी बैलेंस करने की चीज़ों को बहुत बहुत प्रैक्टिकल और इमोशनल और लॉजिकल माइंडसेट को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस ये पर्सन कर सकता है, आता होगा इस पर्सन को करना। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ठीक है, फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, इस पर्सन को बड़ी कंपटीशन है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको हर हाल में नीचा दिखाना है, आप वो चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं जो आपकी लाइफ में शायद कुछ अगर अच्छा हो रहा होगा ना, तो इस पर्सन को लगता है कि आप वो डिज़र्व नहीं करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन है, डेफिनेटली फायर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस। ठीक है, डजंट हैव टू बी, लेकिन हाँ 90% लोगों के लिए ये कोई फायर साइन है। ठीक है, हमने इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जानने की कोशिश की है। बहुत इमेच्योर पर्सनैलिटी है, बहुत इमेच्योर, बहुत नाइव है। ठीक है, कहाँ क्या बोलना है शायद इनको समझ नहीं आती है, आपको पता चलेगा। आपने इनको इनके साथ डील किया होगा, और आपने इनको इनके साथ डील किया है पहले, आप जानते हैं ये पर्सन कौन है। ठीक है, तो इस पर्सन को बड़ी कंपटीशन है, आपको कॉम्प्लेक्स फील होता है। ये पर्सन आपको नीचे देखना चाहते हैं, अपने से नीचे, आपको ग्रो होता हुआ ये पर्सन हरगिज़ नहीं देखना चाहते। नाइट ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन है, डेफिनेटली कोई फायर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस। 90% लोगों के लिए ये फायर साइन ही है जो जिसको आपसे कंपटीशन है। किस चीज़ का कंपटीशन यार? अरे यार, कंपटीशन ही करना है तो कोई ओलंपिक में जाके लड़ लो यार, कुछ अच्छा सा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्ट ले लो। यहाँ पे किसी इंसान को नीचा दिखाने का काय का कंपटीशन चल रहा है भाई? कौन सा कंपटीशन जिसमें इंसान को खुद ही नहीं पता है कि वो कंपटीशन में है? आपको पता है आप कंपटीशन में हो, आपको पता ही नहीं है, लेकिन इस पर्सन को आपके साथ लड़ना है। किस चीज़ का कंपटीशन है भाई? जो भी है, कैसे कैसे प्राणियों से डील कर रहे हो आप, हैं कैसे कैसे प्राणियों से डील कर। खैर, हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, जाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। क्या बोले हम, बताओ क्या बोले? रोज़ रोज़ वही झपड़ और आप वही टिम लख लख, यही तो चल रहा है ज़िंदगी में। हम यही करने आते हैं रोज़, हैं और ये करके चले जाते हैं, बस ख़त्म, दुकान बंद, जाइए, ख़त्म बात। तो ख्याल रखिएगा अपना, और प्लीज़ दुआएँ लीजिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।